हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय एलजी डेली व्लॉग एंड कुकिंग। तो आज क्या बन रहा है किचन में? आज बन रहा है पसंदे, बीफ पसंदे। तो आपको बताएंगे ईच एंड एवरी स्टेप, आप ज़रूर देखिए और फॉलो करें। और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे अच्छा लगता है देखने कि कौन कौन देख रहा है मेरा चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। चलें, ये बीफ का गोश है, पसंदे का गोश। ये है रान का पीस, ये देख सकते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से इसको ला के धोया था, और यहाँ तक कि जब मैंने जो मैं जिनसे ख़रीदती हूँ शॉप से, वो उन्होंने देखो इतने अच्छे से इसको इसको पारछे कहते हैं ये, तो इसके बड़े अच्छे से इन्होंने पसंदे बनाए हैं और देखिए एक एक बिल्कुल पतले हैं, बिल्कुल पतले हैं। तो आप भी इसी तरीके से जब आप गोश्त वाले के पास जाएं, तो उनसे कहें बहुत अच्छे से इसके पसंदे बनाएं, और काफ़ी इसको ना उन्होंने कट भी दिए थे बहुत, आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए कट सारे दिए हुए। तो इसी तरीके से आपने, या अगर आप लाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये मोटे हैं या कुछ तरह से, ये देखिए हैमर है मेरे पास, तो हैमर और मैं इससे अदरक लहसुन भी पीसती हूँ। तो और यहाँ से ये हैमर नज़र आ रहा है आपको, देखिए। तो ये आपने इसी तरीके से आपने इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना है, हल्का सा कट देके। तो वो बड़े अच्छे से, ये देखें इसको, इस हल्का सा ऐसे मारेंगे और ये बहुत अच्छे से आपने जैसे पसंदे चाहिए वैसे बन जाते हैं। चलें, उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया ले लिया है, इससे धनिया का ही बहुत ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर बनता है। ये 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ले लिया, इसमें मैंने काला ज़ीरा भी पीसा है, तो वो आपने ज़रूर लेना है। हल्दी 1 टीस्पून, कसूरी मेथी, ये मैं बताऊंगी आपको मैं जो ये कब डालना है, इसको थोड़ा भून लीजिएगा। ये पॉपी सीड है, खसखस और बादाम और काजू, इसको मैंने ब्लेंड कर दिया था 1 टीस्पून, और जो खसखस है 1 टेबलस्पून है। बादाम मैंने कुछ 8 के 9 ले लिए थे, और जो काजू है वो भी 8 के 9 थे। ये है काली मिर्च पिसी हुई, ये भी मैं डालूंगी इसके अंदर। ज़ीरा 1/2 टीस्पून है, मैं ज़ीरा ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ। और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ दही, ये 200 ग्राम्स दही है, ये आपने ऐड करना है। ये नमक है, इस सब 1 टीस्पून निकाल रही हूँ, इसके बाद मैं देखूँगी कितनी नमक की ज़रूरत है। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 टेबलस्पून में अदरक लहसुन, इसमें बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो डालना अच्छा लगता है तो मैं डालूंगी। और टमाटर, मुझे, मैं प्याज नहीं डालती, तो मैं टमाटर का ही ग्रेवी बनाऊंगी। ये बहुत मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन आपने इसको एटलीस्ट 12 घंटे पहले, जैसे अगर आपको कल बनाना है तो आपने रात को ही भिगा देना है दोपहर के लिए, तो बहुत अच्छा बनता है। और रात के लिए नॉर्मली हम डिनर के लिए करते हैं, तो हम सुबह में ही, मैं 10 बजे उठ के इसको मैं भिगो देती हूँ मसाले में। ये जो गोश है ये 1/2 kg है, और इसके बहुत अच्छे से उसने हिस्से बनाए हैं। तो चलें हम अपना कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मिक्सिंग करेंगे। चलें जी, तो मैं अभी मिक्सिंग करने लगी हूँ। देखिए कसूरी मेथी मैं हटा दूंगी, बिकॉज ये बाद में डालना है, मैं आपको बताऊंगी कब डालना है। सबसे पहले गोश्त लेंगे, सबसे पहले आप ग्लव्स को पहन लें, बिकॉज एक तो हाइजीन भी देखना होता है खाने का, और बेहतर होता है और मिर्चें भी ना लगे ना हाथों में, बिकॉज आप मिक्सिंग करोगे। और चले जी, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सबसे पहले लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च,
मैं थोड़ा सा इसको जूम बताती हूँ आपको, जूम करके, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, ये है धनिया, गरम मसाला, बादाम, काजू और खसखस। खसखस बहुत ज़रूरी होता है इसमें, जो फ्लेवर जो, और आप चना भी यू नो भून के, भुने हुए चने होते वो भी डाल सकते हैं थोड़े से ना, 1 टीस्पून। अच्छा, ये हल्दी है, ऐड करेंगे। ये है जीरा, 1/2 टीस्पून। काली मिर्च 1/2 टीस्पून। दही, ये सारा आपने ऐड करना है। इसके साथ हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। चलिए जी, ये हो गया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन तो आपको पता है कि मुझे तो अदरक लहसुन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये आप यकीन करें, मिर्चें विर्चें आप बाद में भी देख सकते हैं, मुझे शायद लाल मिर्च थोड़ी सी और ऐड करनी पड़े, अभी नहीं, पहले मैं चेक करूँगी उसके बाद। चले जी, अच्छा ये टमाटर का भी मैं आपको दिखा दूँ। अभी मैं इसको कम से कम एटलीस्ट उसको यू नो 10 घंटे तो आप रखें फ्रिज में, और जितना ये भीगेगा उतना ही बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो चलिए हम अब इसका इंतज़ार करते हैं। और इस बर्तन में रखने का मकसद भी यही है कि आपके पास यू नो कवर कर सकते हैं फ्रिज में, बिकॉज फ्रिज में आप काफ़ी सारी चीज़ें रख रहे होते हैं, मतलब चीज़ें ना, सब्जी वब्जी, तो इसका स्मेल नहीं जाएगा। तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं, इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और ये टमाटर जो हैं, टमाटर को मैंने क्या किया, कट किया, हल्का हल्का स्लिट दिया है यहाँ से, ये देखिए थोड़ा हल्का हल्का मैंने स्लिट दिया है पूरा, यहाँ से भी है यू नो, यहाँ से भी है, बीच से भी है। तो ये टमाटर के छिलके निकलेंगे जब ये हाफ डन होगा, ये देखिए स्टीम में ही सारा निकल आएगा। इसको भी मैंने इसी तरीके से किया है, ये देखिए ये पूरा ये निकल आएगा, और ये आपने ज़रूर क्लीन करना है। तो बस इसी तरीके से हम बनाएंगे। चले हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चले जी, तो हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर ऑयल, मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था तो ये गर्म हो गया है। हम अब इसको ऐड करेंगे मसाले में। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 3 टमाटर। अब इसके स्टीम में यू नो जैसे ही थोड़ा गलता है तो फिर मैं इसका स्किन निकालूंगी। तो चलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसको स्लो आंच पे 10 मिनट के लिए रखूँगी, उसके बाद। जी फ्रेंड्स, ये देखें कितने आराम से ये निकल रहा है ना, इसी तरीके से आपने निकालना है और ख्याल से के लगेना। बेस्ट ये होता है कि आप इसको किसी बर्तन में निकालें और फिर इसको हम क्लीन करके वापस ऐड करते हैं। तो चलो, जी तो मैं भी इसको कवर कर दिया है और ये पकता रहेगा नेक्स्ट 10 मिनट्स मोर। जी तो मुझे ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स लग गए, बिकॉज मैंने बहुत स्लो पे रखा था ना, तो और ऐसे ही बनना भी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी इसका क्या स्टेटस है। चलिए जी, ये देखिए तेल भी सारा ऊपर आ गया है, लेकिन इसको मजीद फ्राई होना है, थोड़ा सा और पकेगा। ये गोश्त बिल्कुल गल गया है, मज़ीद ये अभी थोड़ा फ्राई होगा तो और मज़ीद गल जाएगा, बिल्कुल गल गया है और बहुत यू नो
आपको पता है टमाटर की और दही जो मैंने डाला है उसकी जो एक टेस्ट होता है ना, और उसका जो एक फ्लेवर जो निकल के आता है वो आ रहा है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नींबू। ये नींबू जो है, ये देखिए मेरे पास जो ये नींबू है, ये मेरे ही प्लांट जो मैंने बालकनी में है उसके हैं। ये बहुत छोटे और हरे होते हैं। तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा ऐड करती हूँ, दोनों के दोनों डाल दूंगी मैं। ओके, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है, और अब ये सिर्फ भूनने के उसमें है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको मज़ीद सुखाना है। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त रेडी हो गया है। आप प्लीज़ यही सारी मेरी रेसिपी को फॉलो करें, और ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी। देखिए बिल्कुल फ्राई के मोड पे है, और यू नो इसी तरीके से आप बनाइए, और इसी तरीके से ये खाया भी जाता है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया, तो थोड़ा सा डाल दूंगी। अदरक तो सा मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है, और ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अभी मैं इसको प्लेटों में निकाल रही हूँ, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल गल गया है गोश्त, मुझे 5 मिनट लगे थे, और अच्छा से फ्राई भी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ऑयल सारा ऊपर आ गया है, अच्छी तरीके से आपने बनाना है। ओके, तो हाँ भी हम इसको निकालेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है एलजे डेली ब्लॉग में, एलजे डेली ब्लॉग एंड कुकिंग। आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से इसको बनाइए, इतना ज़बरदस्त ये रेसिपी है, और एक ख़ानदानी रेसिपी है। सो यू कैन इमेजिन, इसका लुक आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग इसी तरीके से बनाइए, और अपनी फैमिली के साथ इस वीकेंड को एंजॉय कीजिए। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें रेसिपी तैयार है बीफ पसंदे। आप लोग ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली एंड यू नो बच्चों के साथ, ये ओवर दिस वीकेंड आप बनाएं। और शाम में ये नान और चपातियों के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, पराठे भी बना सकते हैं आप, लेकिन ये ऑलरेडी इतना ऑयल होता है ना, तो आप थोड़ा सा यू नो सादा रोटी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। गरम गरम फुल्कियाँ हो और गरम गरम नान हो, तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी मेरी इन्जॉय करें बीफ पसंदे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। टमाटर का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से करें, बिकॉज़ मैं प्याज इस्तेमाल नहीं करती हूँ जैसे कि मैंने बताया। तो आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से बनाएं, मेरी रेसिपी को फॉलो करें, और सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और दुआओं मुझे याद करें, और आपको बहुत सारी दुआओं के साथ इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। और अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।